Good morning, students. So, we are going to play a game. The name of this game is Mirror Games. I have taught you this chapter. Class 5, Math Chapter 5. Does it look the same? Okay. So, this topic is taught in the part 3 of this chapter but uh, we have to do activity practically so let's solve this activity so first one is here is a picture of a dog you can place a mirror on the dotted line then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror what will you see is like a अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक पिक्चर है डॉग की और पे पे एक लाइन लाइन बनी हुई है जब इस पे आप मिरर रखते हो तो आपको इस तरह का इमेज दिखाई देता है तो चलिए हम मिरर रख कर देख लेते हैं कि क्या यह वाकई में ऐसा दिखाई देता है या नहीं तो इस डॉटेड लाइन पे हमें क्या रखना है मिरर रखना है और देखिए ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि आपके बुक में गिवेन है ये देखिए ये बुक में मिरर इमेज बता के बनाया हुआ है और ये मैंने ये मिरर प्लेस किया हुआ है तो उस पे इमेज बन रही है और दोनों ही इमेज कैसी हैं सेम है, है ना तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स अब आपको वाइट बॉक्स के फिगर्स को देखना है एंड नाउ यू हैव टू टेल ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइंस विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट से बी आल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन वेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन अब आपको ये बताना है इस पिक्चर में वाइट बॉक्स में जो पिक्चर है कि यहाँ पर टू डॉटेड लाइन है एक वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल है तो हम कौन सी डॉटेड लाइन पर मिरर प्लेस करें कि हमें ये बी वाला इमेज दिखाई दे सो so, आपको ये भी बताना है कि कौन सा जब हम मिरर पुट करेंगे तो कौन से साइड का जो पिक्चर है वो हिडन हो जाएगा तो चलिए हम मिरर पुट करके देखते हैं चलिए पहले हम हॉजेंटल पुट करके देख लेते हैं जब हम ये हॉरीजेंटल पुट करते हैं तो इमेज कुछ इस तरह से बनती है जो ये बुक की इमेज तो बिल्कुल भी नहीं है सो so, हम अभी से वर्टिकली पुट करते हैं अब इस तरह से करिए आप इस तरह से करने पर इमेज कुछ इस तरह से बन रही है देखिए तो ये इमेज तो बुक में नहीं है है ना? तो अब हम किस तरह से पुट करेंगे नाव वी विल पुट जस्ट लाइक दिस अभी से हमने पुट किया देखिए तो ये कैसी इमेज बन रही है ज़रा देखिए आप दिस इमेज इज जस्ट लुकिंग लाइक अ लाइक योर बुक देखिए ये बुक में बनी हुई इमेज है और ये जो मैंने मिरर प्लेस किया है उस पर बन रही है तो ये जो बुक वाली इमेज है और ये वाली इमेज है ये दोनों एक जैसी है ना तो हमें किस साइड से पुट करना है हमें पुट करना है मिरर को इस साइड से और इस तरह से पुट करना है कि इस पिक्चर का जो राइट साइड है डॉटेड लाइन का वो हिडन हो जाएगा और लेफ्ट साइड मिरर में दिखेगा तो बिल्कुल बुक का इमेज आपको दिखने लगेगा नाउ कम टू दिस पिक्चर इन दिस पिक्चर लुक एट दिस क्वेश्चन ना मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिररर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट अब वाइट बॉक्स में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है यह दिखाने के लिए कि उस लाइन पर अगर हम मिरर रखते हैं तो हमें यह जो अगला इमेज गिवेन है ये वाला उसके सामने वो हमें शो करने लगे तो आपको क्या करना है सबसे पहले एक बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको कई बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसका ये जो इमेज है हाफ तो इसका है और हाफ मिरर इमेज है तो आप क्या करिए बीच में इसी में लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले ऐसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको ऐसे कर लेना है अब ये देखिए कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है तो देखिए ये पोर्शन ये बिल्कुल इस तरह से है है कि नहीं है जरा बताइए है ना तो हम इसको इस तरह से पहले तो मिरर रख के देख लेते हैं कि ये इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखिए तो ये जो बुक में इमेज है आपकी ये वाली वो इस पे आ रही है ना ये पिक्चर पूरा नहीं आ रहा था अभी अब देखिए आ रही है ना दैट मीन्स कि हमें लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है हमें लाइन यहीं पे ड्रॉ करना है सो चलिए हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं ये अब इस पर आप अपना मिरर रखिए और इमेज को देखिए ये उल्टा रख गया है ये देखिए आ गई ना बुक में जो इमेज है वो अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन ये वाला अब इसमें हम कहाँ पर रखें कि हमें ये वाला इमेज दिखे तो आपको वही तरीका अपनाना है पहले इसको आप ऐसे लाइन बीच का देख लीजिए कि कौन सा पार्ट पिक्चर का है क्योंकि एक पार्ट पिक्चर का है और दूसरा आपका मिरर का है तो ये वाला पार्ट जो है इस वाइट में जो पिक्चर है उसका है तो आप देख लीजिए कि वाइट में पिक्चर में ये वाला पार्ट कहाँ से है यहाँ से तो इसको आप क्या करिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे और अब आप यहाँ मिरर प्लेस करिए और मिरर में देखिए कि जो इमेज बुक में है वही इमेज बन रही है या नहीं बन रही है तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बुक में इमेज है सेम वही इमेज बन रही है तो ये भी हमारा हो गया ये वाली लाइन नेक्स्ट आपका है ये वाला इसमें आप देखिए तो ये जो डॉग है ये वाला डॉग आपको दिख रहा है ना ये तो इस पे हम कहाँ पर लाइन ड्रॉ करें कि हमें ये वाली इमेज देख मिले तो देखिए आप डॉग का जो ये वाला अपर साइड वाला पोर्शन है सिर्फ वही दिख रहा है और कोई सा भी पोर्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो चलिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और फिर मिरर में रख के हम देखते हैं तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली अब इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम मिरर में रख के इमेज देखेंगे कि बुक में जैसी इमेज है वैसी बन रही है या नहीं बन रही है तो चलिए देखिए आप इस पर जैसी इमेज बुक में है बिल्कुल वैसी ही इमेज आपकी बन रही है बन रही है ना तो देखिए ये बन गया आपका ये लाइन आपकी ड्रा हो गई अब हमें क्या करना है इसमें देखना है ये वाला जो डॉग है इस पर हम कहाँ पर लाइन ड्रॉ करें कि हमें ये वाली इमेज मिले तो तरीका आपका वही है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है वी हैव टू ड्रा अ लाइन मिडिल ऑफ दिस इमेज सो so, इस तरह से अगर हम ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन मिरर का है और कितना पोर्शन आपका इस पिक्चर का है तो एक पोर्शन मिरर का है और एक पोर्शन पिक्चर का है तो देखिए यहाँ से ये वाले पोर्शन के बाद हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एकदम सीधा इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे अब यहां पर हम मिरर रखकर इसको देखेंगे ये देखिए तो जैसा बुक में आपका बना हुआ है इमेज बिल्कुल इस मिरर में वैसा ही दिखाई दे रहा है देखिए दिख रहा है ना आपको इसको आप इस अच्छे से होल्ड करके देखिए तो दिख रहा है सो so स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही कल हम देखेंगे ये वाली एक्टिविटी से